क्वेश्चन में कहा गया कन्वर्ट 5 रेडियन, अगर ऐसे सी लिखा हो तो इसका मतलब रेडियन, 5 रेडियन इंटू डिग्री। अब 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमने रिलेशन देखा था क्या, डिग्री अपॉन 90 इक्वल्स टू रेडियन अपॉन पाई बाय 2 देखा था हमने। अब जो वैल्यू हमें पता है, रेडियन की वैल्यू पता है कितनी, 5, तो डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 अपॉन कितना देखा पाई है। अब यहाँ पे डिग्री में चाहिए ना, तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी पड़ेगी, तो डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 90 अपॉन 22 अपॉन 7, ठीक है। अब इसे कैंसिल कर लो तो 211 जा एंड 25 डिग्री, 9 पंच 45 इंटू 7 अपॉन 11, 0 7 पंच 35 5, 3 7 चौक 28 और 3 कितने हुए 31 अपॉन 11। देखो अगर हम इसे 3150 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 2 से 22 आ गया, कितना बचा 10, 5, 11 9 या 99, ठीक है, कितना बचता है 6, 60, 11 5 55 बचा कितना 5, तो ये हमारे पास आ गया 295, ठीक है, तो गई, ठीक है, चलो 295 डिग्री पूरा आ रहा है, ठीक है, प्लस 5 अपॉन 11, ठीक है, सही है, ये अभी डिग्री में, तो 295 डिग्री तो पूरा हो गया, 5 अपॉन 11 ये डिग्री में है, इसे और छोटा कर लें तो 60 अब मिनट्स में आ गया ये, ठीक है, 6 पंजे 30 तो 300 अपॉन 11 कर लेते हैं, तो 11 से करोगे तो कितना आएगा भाई, 11 2 या 22 8 11 11 7 या 77 कितना हो गया 3, तो ये वैल्यू आ गई 295 डिग्री प्लस कितना 27 प्लस 3 अपॉन 11 मिनट्स, और इसे थोड़ा छोटा कर लें 295 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 3 अपॉन 11 इंटू 60 सेकेंड्स, 6 3 18 180 को 11 से डिवाइड कराओ तो 11 7 11 6 66, तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम क्योंकि इससे छोटी यूनिट हमें पता नहीं है, कितना आ जाएगा यहाँ पास प्लस 16 सेकेंड्स, ठीक है अप्रॉक्स, तो इसे ऐसे लिख देते हैं 295 डिग्री 27 मिनट एंड 16 सेकेंड अप्रॉक्स, ठीक है।